वर्कर्स की जो हार्ट काटे थे वो क्या सच है? मेरे को नहीं लगता कि ये पनीर है। ये जो यहाँ पे फास्टैग है वो देखो वो काम नहीं कर रहा है। फाइनली अभी हम लोग ताजमहल के अंदर आ चुके हैं। पता नहीं तुम्हारे पापा मेरे लिए ताजमहल कब बनाएंगे। याद आ रहे थे साउथ खाने की तो यहीं पे मतलब ढूंढ के आ गए। और ये है मम्मी। हेलो। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं दिल्ली में और आज हम जा रहे हैं आगरा जहाँ पे ताजमहल है। हम ताजमहल देखेंगे और ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स। आज हम पहला वंडर देखने वाले हैं। और उधर से फिर कहाँ जाएंगे परी? हम जाएंगे वृंदावन। परी का फेवरेट, परी बहुत दिनों से मन कर रही थी उसको जाना था क्योंकि हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे को बाल खींचना बहुत पसंद है ना। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल में उनके बारे में बहुत सारी चीजें हम पढ़े हैं तो मेरे को बहुत पसंद है वो। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं आगरा। तो फिर आगरा जाते टाइम मतलब मेरे को घर से ही बहुत उल्टी उल्टी लग रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं कभी भी प्यूक कर पाऊँ। तो फिर मेरा पेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और आदि का भी नहीं, लेकिन अभी उसका पेट ठीक है और मेरा पेट बिल्कुल नहीं है। तो फिर आंटी मेरे को हजमुला दिए, मतलब जब मैं चबा रही थी हजमुला तब पता नहीं चल रहा था। तो फिर हाँ, और ये देखो आदि फिर भी अभी तक आलसी हो रहा है। आदू क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये वो जो डायनासोर कार्टून देखते हैं ना, उसमें जब वो डायनासोर गुस्सा होते हैं ना खुद को ठाई कर लेता है और ऐसे भी करता है, तो उससे सीख गया ये छोटू। आज का जो हमारे ड्राइवर हैं मिस्टर जगदीश, ओके। तो जगदीश जी आज बताइए कहाँ जाएंगे? अभी स्ट्रेट जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने। ओके, कितना टाइम लगेगा? 2.5 to 3 hours तक लगेगा। यमुना एक्सप्रेस होके जाएंगे इसीलिए थोड़ा कम टाइम लग रहा है। भाई गलती मत करना, ये हमारा ड्राइवर नहीं है, आज सेल्फ ड्राइव पे जा रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो टोटल ट्रिप था हर एक तरह का एक्सपीरियंस हो गया। हम शुरू किए थे फ्लाइट से, बेंगलोर से अमृतसर आ गए, फिर वहाँ से हम स्लीपर बस में गए वहाँ से कटरा, फिर वहाँ से हमने कैब बुक किया जो कि हमारे साथ एक ड्राइवर थे। उसके बाद फिर हमने ट्रेन लिया दुरंतो ट्रेन फ्रॉम जम्मू टू जो है दिल्ली। अभी दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं आगरा। आगरा मथुरा वृंदावन ये सब घूमेंगे और ये जो है सेल्फ ड्राइव। तो और कोई जो भी माध्यम होता है घूमने का सारा हमने कवर कर दिया ये पूरे ट्रिप में। अभी हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं और आप देख सकते हो पोल्यूशन। आपको कोहरा जैसा लग रहा होगा बाहर पर, ये कोहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ओके, मसाले में और यहाँ पे हम खाएंगे। तो फिर मेरे को नहीं पता कि मैं खा पाऊँगी कि नहीं क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हम वो रेस्टोरेंट के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत टाइम लिया तो इसलिए मेरा पेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं फिर से वॉशरूम जा के पीऊँ और आने के बाद मतलब और बुरा लगा और मैं मेडिसिन खा ली हूँ। और यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। मम्मी मेरा फेवरेट पूरी खा रहा है लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि वो ऑयली है और मेरा पेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हाँ, और यहाँ पे ये देखो सब खा रहे हैं मज़े से। मैं चलो बोल देती हूँ कौन क्या खा रहे हैं। मसाला दीजिए ना। मम्मी खा रहे हैं पूरी, आंटी खा रहे हैं आलू पराठा ना, आलू प्याज। हाँ आलू प्याज दादा, आलू दीजिए।
आलू पूरी और पापा भी पूरी। और यहाँ पे ये देखो पापा अपना काम करते करते खुद कर रहे हैं और आंटी को खाना आ गया, इसीलिए आंटी वहाँ आके खा रहे हैं। पनीर सैंडविच तो फिर ये है मेरा खाना और मेरे को नहीं लगता कि यह पनीर है, ये वेजिटेबल है अंदर। तो फिर मैं पापा से पूछने वाली हूँ कि उनको वो बोलें कि ये पनीर सैंडविच नहीं है। फ्रेंड्स पीछे जो होटल है वो ना उसका खाना तो इतना अच्छा नहीं है और ऊपर से वो बहुत लेट खाना दे रहे हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एक चाय का 100 रुपीज़, कॉफ़ी का 150, बहुत कॉस्टली है और खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। चलो चलते हैं, हमारा जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी परी ने जहाँ पे हमने खाया उसका तो बहुत तारीफ कर ली। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो जो जगह था ना वो मतलब आप दिल्ली से 20-30 किलोमीटर आने के बाद आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके आगे एक ढाबा है, हम उसी को साइन बोर्ड देख के उधर जाने का सोच रहे थे बट गलती से यहाँ हम रुक गए। अगर वो ढाबे पे जाते तो खाना भी अच्छा रहता, प्राइस भी अच्छा रहता। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आप लोग दिल्ली टू आगरा जा रहे हैं और 20-30 किलोमीटर के बाद ये जो इंडियन पेट्रोल पंप आता है ना, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे कहीं पे। इतना ज़्यादा कॉस्टली ना, इतना ज़्यादा कॉस्टली, क्या बोलते हो भाई जगदीश? चाय का 100 है, कॉफ़ी का 150 है। 150 कॉफ़ी, हाँ। और टेस्ट भी बेकार है, टेस्ट भी। हमने जो ये कार लिया है ये माई चॉइस से लिया है, ऑनलाइन हमने बुक किया था और सेल्फ ड्राइव है। हमको कितना कॉस्ट आया भाई? 5,600 हाँ, 5,000-6,000 कुछ है। हम आज सुबह 7 o'clock को हमने इसको पिक किया और यमुना विहार में, यमुना विहार है ना, हाँ मयूर विहार, हाँ मयूर विहार फेज वन पे वो ड्राइवर ला के रखा, उसके लिए 200 को चार्ज करते हैं। ओके, गाड़ी जो है वो गुड़गांव से आता है और इसको हम एयरपोर्ट पे कल ड्रॉप करेंगे, हाँ ब्लैक लिस्ट। ओ तो ये धोखा होता है, ये जो यहाँ पे फास्टैग है वो देखो वो काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये लोग जब गाड़ी सेल्फ ड्राइव देते हैं ना तो ये मतलब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी ये लोग अभी डबल पैसे इधर लगेगा वो बोल रहे हैं, बाद में शायद फिर हो सकता है रिम्बर्स, नहीं हो सकता वो देखना पड़ेगा। तो माय चॉइस का अभी तक का एक्सपीरियंस बेकार हुआ। फिर अभी मैं यहाँ पी रही हूँ लेमन सोडा तो पापा को पता नहीं है कैसे अच्छे से बनाते हैं। पहले सोडा डालते हैं, नींबू, फिर ब्लैक सॉल्ट और फिर मिक्स करके देते हैं। पापा ने व्हाइट सॉल्ट डाला, हाँ तो मतलब ओके लग रहा है। फाइनली हम लोग अभी आगरा में हैं और अभी बहुत धूप हो रहा है तो हम एसी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे भेज वाला। तो ये पीछे आप देख सकते हो एक उडुपी वृंदावन, अभी बहुत दिन हो गया साउथ खाना नहीं खाए तो याद आ रही थी साउथ खाने की, तो यहीं पे मतलब ढूंढ के आ गए। खाना कैसा है चलो अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा अभी खाना खाएंगे और उसके बाद, अभी इतना धूप हो रहा है अब अभी ताजमहल जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा 1-2 घंटा इधर टाइम स्पेंड करेंगे। इवनिंग के टाइम पे कोशिश करेंगे ताजमहल जाके, फिर वहाँ से वृंदावन के लिए जाएंगे, मथुरा वृंदावन। चलो चलो जल्दी, हो गया चलो। खाने के बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, तो चलो चलते हैं आगरा जहाँ पे हम हमारा ताजमहल देखते हैं। ताजमहल जो बनाया था मुमताज के लिए बनाया था और मुमताज के मरने के बाद ताजमहल। और अंकल वो जो 20,000 वही 20,000 वर्कर्स की जो हार्ट काटे थे वो क्या सच है? ये इस तरह सारे 20,000 पीपल के हैंड ही काटे गए थे, ये इस्ट्री में गलत कर दिया है। इस्ट्री में क्यों गलत कर दिया है कि साजा जमुना नदी के पीछे एक और ताजमहल बना रहे थे,
ये ताजमहल बनाया था व्हाइट वाला मुमताज के लिए, और जो ब्लैक ताजमहल है कपिल बना रहा था। इसमें कंसेशन खर्चा आया था उस टाइम बने के लिए 4 करोड़, इसके अंदर व्हाइट वाले के अंदर। जो उसका बेटा था औरंगजेब, वो अपने फादर से बोला कि मेरी मदर की याद में इतना सारा पैसा इसमें बेस कर दिया, इतना पैसा उसके लिए चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा। औरंगजेब का कहने का मतलब था कि अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता था। तो उसने क्या करा था, सारे 20,000 जो पीपल थे ना, उनको पेपर पर साइन करा के एग्रीमेंट पर लिखित में आके उनको पैसा इतना दे दिया गया 20,000 पीपल को कि इस पैसे से आपकी जिंदगी आराम से कट सकती है, आप दुनिया के अंदर कहीं दूसरा ताजमहल नहीं बनाओगे। उनको थंब के निशान भी लगवा लिए थे पेपर पर। तो उनको बोलते ना एक उनकी रोजी रोटी से हाथ काट दिया, रियली हाथ नहीं काटे गए। फाइनली अभी हम लोग ताजमहल के अंदर आ चुके हैं और परी का तबीयत थोड़ा आज ठीक नहीं है, डॉल डॉल है, उसको उल्टी हुई है, आदि भी ठीक नहीं है, काफी ट्रैवलिंग हो गई ना इसीलिए। अभी थोड़ा फोटोग्राफ, परी इधर आ जाओ, फोटो लेंगे आ जाओ। अभी हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये अभी परी, परी की मम्मी सब फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो आदि, परी पता नहीं तुम्हारे पापा मेरे लिए ताजमहल कब बनाएंगे, मम्मी के मरने के बाद ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वाला नहीं चाहिए, बस एक बिल्डिंग चाहिए, 3 फ्लोर होना चाहिए बस, वो भी काफी है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, इतना बड़ा तो बनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा, सच बात है। तो फाइनली अभी हम लोग ताजमहल से आ गए। अभी सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब पार्किंग 2-3 किलोमीटर दूर, फिर यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल करके जाना है, वहाँ पे 50 रुपीज़ 250 रुपीज़ 2 टिकट है, 50 रुपीज़ वाला आप दूर से देखोगे, 250 रुपीज़ आप पास जाके देखोगे। गाइड का कॉस्ट बोलते हैं 500, बट एक्चुअली 200 पे लोग जाते हैं, बट बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया तो इसीलिए वो गाइड को हमने आधे से बोला कि भाई आप जाओ, हम थोड़ा फोटो वगैरह खींच के जाते हैं, क्योंकि मतलब उतना पेशेंस नहीं था, धूप भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ताजमहल तो गर्मी के दिनों में तो मत ही आओ, अगर बाई चांस आ रहे हो तो अभी इवनिंग टाइम। हाँ, अगर आप मतलब बच्चे लोगों को साथ में आ रहे हो तो बिल्कुल भी मत आओ, जो कि हमने आज गलती की है। अभी समर स्टार्ट हो रहा है और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये लोग आपको बिल्कुल भी एंजॉय करने के लिए तो देंगे नहीं, परेशानी वो भी खुद परेशान होंगे और आप लोगों को भी परेशान करेंगे। अभी हम ताजमहल से निकल रहे हैं और अभी हम जाएंगे वृंदावन, और आई होप वहाँ पे मेरे को अच्छा लग जाए, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण जी हैं, सो आई होप मेरे को बहुत अच्छा लग जाए वहाँ, क्योंकि परी का तबीयत अभी उल्टी उल्टी होके बहुत बुरा लग रहा है, तो अभी थोड़ा ठीक है कि नहीं परी, अभी कार में जाएंगे ना, थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे तो ठीक हो जाओगे, उधर जाके कृष्णा जी के दर्शन करेंगे। हाँ है ना, क्या बोलेंगे हम, राधे राधे, राधे राधे, हम ऐसे बोलेंगे। वो क्या होता है? वो भगवान जी का नाम होता है। उनको नहीं पता है? तुम्हें नहीं पता, ठीक है, क्या अभी पता हो जाएगा। ओके, तो मेरे को लगता है आज का ब्लॉग काफी लंबा हो गया है, अभी तो बस हम जाके रूम में थोड़ा सा चेंज करके फ्रेश होके फिर निकलेंगे, तो वो वाला ब्लॉग नेक्स्ट में आएगा। सो यस फ्रेंड्स, आज के लिए नन, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए नन, बाय 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 बाय। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं, अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है।